खून लिया। एक एडवाइस दे रहा हूं, धीरे दौड़। जिंदगी एक मैराथन है, कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं। वर्ल्ड बेस्ट मैराथन रनर का नाम बता। और 100 मीटर चैंपियन उसे बोल। करेक्ट। मैराथन में दौड़ने वालों को कोई याद नहीं रखता दीपू। हार और जीत में एक ही फर्क होता है, याद रहे मेरे दो ही रूल। क्या बलवान मूवी थी सुनील शेट्टी की डेब्यू फिल्म। कौन होंगे सुनील शेट्टी की फिल्म बलवान के सीक्वल में विलन। क्या फाइनली अब सुनील शेट्टी अपनी नई फिल्म बलवान 2 के जरिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में करने वाले हैं कमबैक। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ प्रगति शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुनील शेट्टी की नई फिल्म के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, सुनील शेट्टी जल्द ही बड़े पर्दे पर कमबैक करना चाहते हैं। बलवान फिल्म ही वह फिल्म थी जिससे सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू तो किया ही था, साथ ही इस फिल्म के रिलीज होते ही उस सबका दिल भी जीत लिया था। बलवान फिल्म रिलीज हुई थी 11 सितंबर 1992 में और यह फिल्म काफी सुपर डुपर हिट भी रही थी। आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया था दीपक आनंद ने, वहीं इस फिल्म के निर्माता थे राजू मवानी। अगर बात करें इस फिल्म की स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में सुनील शेट्टी के अलावा दिव्या भारती, टीनू आनंद, अवतार गिल और डैनी डेंजो कप्पा जैसे कलाकार थे। बलवान 2 के जरिए काफी अरसे बाद सुनील शेट्टी बॉलीवुड में कमबैक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सुनने में तो यह भी आया है कि बलवान 2 के लिए सुनील शेट्टी के ऑपोजिट काजल अग्रवाल को लिया जा सकता है। काजल अग्रवाल साउथ की बहुत ही पॉपुलर हीरोइन है। इतना ही नहीं, इस बार विलन के रोल को निभाने के लिए संजय दत्त का नाम भी सामने नजर आ रहा है। इस फिल्म का म्यूजिक किशोर शर्मा और महेश शर्मा ने कंपोज किया था, साथ ही फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे मनीष भट्ट और इस फिल्म के अंदर टोटल 6 गाने थे। इतना ही नहीं, इन फिल्म के गानों को और किसी ने नहीं बल्कि लेजेंडरी सिंगर्स आशा भोसले और अभिजीत भट्टाचार्य जैसे गायकों ने गाया था। आपको बता दें बलवान की जगह सुनील शेट्टी फौलाद मूवी से डेब्यू करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सुनील शेट्टी की पहली मूवी जो थिएटर्स में रिलीज हुई थी उसका नाम बलवान था। अगर बात करें इस फिल्म की कहानी की तो फिल्म में सुनील शेट्टी ने एक अर्जुन सिंह नाम के लड़के का किरदार निभाया था। वहीं दिव्या भारती जो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी उनका नाम फिल्म में दीपा था। अर्जुन काफी गरीब परिवार से थे और अपनी माँ के साथ रहते थे और आखिरकार एक पुलिस इंस्पेक्टर बन के बुराई का सामना करते हैं। बलवान फिल्म कब तक रिलीज होती है यह तो हमें वक्त के साथ पता चल ही जाएगा। उससे पहले कोरोना का वापस जाना बहुत जरूरी है जिससे कि हम और आप अपने फेवरेट स्टार्स को बड़े पर्दे पर जल्द ही देख पाएंगे। बॉलीवुड टॉलीवुड और हॉलीवुड की बाकी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।